Hi, welcome to my channel System Web Tech. In this video we will learn how to count the number of words from group. Suppose example we have this family group and I want to count the number of women or child present in this group. How I can pull the number of person or number of items or number of people from a particular group So this is my criteria. ये criteria है. एक group में कई सारे लोग हैं और उसमें से मैं particular fetch करना चाहती हूँ. तो कैसे मैं कर सकती हूँ? ये एक formula है. हम तो P3 में अपने इसमें से फाइंड करें कॉमा विद इन टेक्स्ट. तो विद इन टेक्स्ट मेरा है A3 A7 सपोज. एंड मैं क्लोज करती हूँ और देखते हैं क्या आता है. तो उसने अभी 1 बताया. ये फाइंड किया उसने मैन. ये जो M लेटर है इसको फाइंड किया है और M जो है नंबर 1 पे है. ऐसे ही अगर मैं स्मॉल M लेती हूँ तो ये नंबर 8 पे बता रहे. लेट्स काउंट इट 1 2 3 4 5 6 7 8. परफेक्ट. सो ऑन द एट पोजीशन स्मॉल m इज प्रेजेंट. सो दैट्स द परफेक्टली फाइंड वर्क. लिटिल इज प्रेजेंट एट पोजीशन 1 एट पोजीशन 1 m प्रेजेंट एट पोजीशन 8 राइट. So similarly, we can find the others word as well. Now, what we will do? We find via is number. So is number is create converts the true or false, right? Let's show you how. ये जो is number formula है इसी कंड को बस ट्रू और फॉल्स में काउंट करेगा. और जब ये ट्रू और फॉल्स को काउंट करेगा हमारे पूरे ग्रुप में कि ये जो m स्मॉल m है या कैपिटल m है ट्रू है या नहीं है राइट. सो ये ट्रू है. ये m जो है प्रेजेंट है स्मॉल m हमारे ग्रुप में ये बता रहा है. अगर मैं इसकी जगह कोई भी लेटर लिख जैसे कि जी जो कि हम ग्रुप प्रेस नहीं जी. सो लेट्स व्हाट इट एंड जीरो फॉल्स क्योंकि नहीं है प्रेजेंट. अगर मैं ए लिख देती हूँ कम टू राइट. सो नाउ विल डू कॉपी फॉर्मूला इज नंबर एंड लाइक tell you this form will show you, but I would like to tell you this hyphen which indicates in a bracket convert
words true or false into 0 or 1. We did it in our previous video, in previous example also. So now I will copy this formula. I will check it already copied formula. I will apply under the sum product. हम प्रीवियस वीडियो में इस हाइफन का ऑलरेडी एक बहुत अच्छा एग्जांपल देख चुके हैं और मैं ये ब्रैकेट ओपन कर देती हूँ जिसमें ये सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला मैं कॉपी पेस्ट करूँगी, राइट? तो ये मैं कॉपी पेस्ट कर रही हूँ और एंटर करती हूँ मैं, तो इसने जीरो दिया है आंसर, नो रिजल्ट. वाई? तो यहाँ पे मैं इस नंबर के फॉर्मूले को भी बंद कर देती हूँ. यहाँ पे एंटर, अब भी जीरो. ऐसा क्यों है? अब मैं आपको ये अरे मैं जो है कॉपी कर रही हूँ इस पूरे अरे को और फंक्शन F9 प्रेस करती हूँ. इससे पहले यहाँ पे मैं एक वर्ड लिख के, हम क्राइटेरिया में एक वर्ड लिख रहे हैं, राइट? और देखते हैं कि इस नंबर 1 2 3 4 ब्रैकेट ओपन है तो ब्रैकेट क्लोज भी होने चाहिए. 1 2 3 एंड 4 परफेक्ट. और इस एरे को F9 करके देखेंगे, फंक्शन F9, तो आप देखेंगे कितनी ट्रू और फॉल्स है. तो ट्रू और फॉल्स ये टेक्स्ट में है इसलिए जीरो दिखा रहा है. जैसे ही मैं यहाँ हाइफन लगा दूंगी तो जितने भी ट्रू और फॉल्स होंगे वो परफेक्ट आंसर दे रहा है 3. इसको काउंट करती हूँ मैं, 1 2 3 परफेक्ट. अब ये कैसे आया आंसर परफेक्ट आंसर? क्योंकि इस हाइफन ने जो जितने भी ट्रू और फॉल्स थे, इसको सेलेक्ट कर रही हूँ पूरे एरे को, फंक्शन F9, तो जितने भी मेरे ट्रू और फॉल्स थे, जितने भी ट्रू है वो 1 में कन्वर्ट हो चुके हैं. 1 तो हमारा ट्रू था वो 3 times 1 3 times 2 है, तो 1 आ गया और सब कर दिया वो 1 1 1 3. तो इसको हम दोबारा करके देखते हैं. दोबारा फॉर्मूला लगा रही हूँ मैं, सेम है सब कुछ. उसे मैं यहीं से कॉपी कर रही हूँ. सपोज मैं यहाँ से कॉपी करती हूँ फॉर्मूले को और ट्रू है और इस इक्वल टू सम प्रोडक्ट टैब इस नंबर को फॉर्मूले में ब्रैकेट में 1 2 3 4, तो हम 4 पर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर. तो ये 5 आ गया हमारा आंसर. कितनी बार है चाइल्ड? 1 2 3 4 एंड 5 परफेक्ट आंसर. अब की बार मैं वुमेन लेके देखती हूँ. तो ये 4 आ गया, 1 2 3 एंड 4. सो दिस इज हाउ, दिस इज द एग्जांपल वी डिड. काउंट द नंबर ऑफ वर्ड. Thank you.
you like it, then do subscribe our channel. Keep watching our videos, and any doubt, then comment in the comment section. And keep watching our video. Bye bye. Take care.